जो जीत के वो खुश नहीं हो पा रहे हैं और हार के भी दुखी नहीं है, कारण क्या है? कारण ये है कि हमने उनके अहंकार को तोड़ दिया है। स्मृति ईरानी का हारना, अभी समझ जाए, संभल जाए और घमंड को त्याग दे। ये देश की जनता और महिला अगर वो दोबारा आएंगी ना तो उन्हें दौड़ा कर मारेंगी, और वो याद रखेंगी कि जब मणिपुर पर महिलाओं की अस्मिता लूटी जा रही थी तो ये स्मृति ईरानी गूंगी बहरी बनी हुई थी। राम की नगरी को भी वो हार गए जो राम के नाम पर वोट मांगते थे, पूरे पैसे उनके पास, पूरे सरकारी तंत्र उनके पास, ईडी सीबीआई उनके पास। वैसे में हम लड़े हैं और इतने अच्छे मार्जिन से जीते हैं, ये सिर्फ देश की जनता का प्यार और विश्वास है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक, मैं हूं रंजय कुमार और हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए मौजूद है जेबा खान जी। पहले तो मैम आपका स्वागत हमारे चैनल पे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैम जो रिजल्ट आए हैं, हालांकि खड़गे साहब ने कह दिया था कि 295 सीटें आएंगी, इस तरह की सच में उम्मीद थी आप लोगों को? जी बिल्कुल, सच में उम्मीद थी इस तरह की कि 295 सीट प्लस हमें सीट आ रही है। मैं तो सबसे पहले हम अपने देश की जनता का की बहुत आभारी हूँ और शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा हमें सीट दिया है और हमारे साथ खड़े रहे हैं, मोहब्बत के साथ खड़े रहे हैं और नफ़रत को हराया है, नफ़रत को तमाचा मारा है और उनके घमंड को तोड़ा है। यूपी से गुजरता है प्रधानमंत्री बनने का रास्ता और यूपी का किला आप लोगों ने तोड़ दिया इस बार, तो कैसे तोड़ा है, क्या किया आप लोगों ने इस बीच में? हमने कुछ नहीं किया है, सब जनता के प्यार और आशीर्वाद ने किया है। मैं ये बोलती हूँ कि हमारे देश की लोकतंत्र और संविधान बहुत मजबूत है और देश के आत्मा में भाईचारा और प्यार बसता है, तो जो किया है जनता ने किया है, जनता की समझदारी ने किया है, हमने कुछ नहीं किया है। अच्छा, ये नरेंद्र मोदी ने ये चुनाव पूरा एम फैक्टर पे लड़ा और अब जब सरकार बनाने की कवायद चल रही है तो एन फैक्टर आ गया है। नीतीश और नायडू जी का नाम काफ़ी चर्चा है, आप भी जान रहे हैं, क्या नीतीश जी इधर आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए अभी इंतज़ार कीजिए, इतना जल्दी कुछ बोलना सही नहीं होगा, आगे सब पता चल जाएगा, दिख जाएगा क्या होता है क्या नहीं होता है। मैम एक सवाल और कि ये काफ़ी चल रहा है सोशल साइट्स में भी कि जो जीत के वो खुश नहीं हो पा रहे हैं और अब हार के भी दुखी नहीं हैं, कारण क्या है? कारण ये है कि हमने उनके अहंकार को तोड़ दिया है। आपको लग रहा है हम बहुत जीत कर सरकार नहीं बनाए, अलग की बात है, लेकिन हमने देश की जनता का दिल जीत लिया। हमें बहुत खुशी है इस बात की कि जो पूरी शक्तियों के साथ उधर खड़े थे, मतलब आप समझ नहीं सकते हैं कि क्या वेब था उनका, है ना, पूरे पैसे उनके पास, पूरे सरकारी तंत्र उनके पास, ईडी सीबीआई उनके पास और सारी धोखा बाई हुक एंड बाई क्रूक, वो किसी भी हाल तक जाकर सत्ता उन्हें चाहिए था। वैसे में हम लड़े हैं और इतने अच्छे मार्जिन से जीते हैं, ये सिर्फ देश की जनता का प्यार और विश्वास है जो हम आज यहाँ पे खड़े, इसलिए हमें खुशी है कि हमने प्यार और विश्वास जीत लिया देश की जनता का। और अब देखिए जहाँ पर परसों तक हम डिबेट कर रहे थे टीवी में कि 10 लाख मार्जिन से नरेंद्र मोदी जीतने जा रहे हैं बनारस, लेकिन 4 घंटे तक नरेंद्र मोदी पीछे रहे हमारे अजय राय जी से, ये तो घमंड का टूटना ही है ना। और 1.5 लाख वोट कितने मुश्किल से आए हैं और एक तरफ, दूसरी तरफ स्मृति ईरानी का हारना किशोरी लाल जी से, जो बहुत ही बड़े लीडरशिप में आती हैं भाजपा की और मोदी की बहुत करीबी, उनका हारना मतलब देश की जनता ने सबक सिखाया है। अभी समझ जाए, संभल जाए और घमंड को त्याग दे। मैम अगर आप लोगों की सरकार बन जाती है तो मन में ये डर नहीं है कि स्मृति ईरानी जो है सिलेंडर लेके फिर से आपके मतलब आप लोगों के विरोध प्रदर्शन में आ जाए आपके सामने? देखा जाएगा तब क्या होगा। और काठ की हांडी को दोबारा चूल्हे पर नहीं चढ़ाया जा सकता है, एक बार में जल जाती है, तो ये देश की जनता और महिला अगर वो दोबारा आएंगी ना तो उन्हें दौड़ा कर मारेंगी, और वो याद रखेंगी कि जब मणिपुर पर महिलाओं की अस्मिता लूटी जा रही थी तो ये स्मृति ईरानी गूंगी बहरी बनी हुई थी, जब दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवान बेटियों को उठाकर फेंका जा रहा था तो स्मृति ईरानी ने मुंह पर सेलोटेप और आँख पर पट्टी बांध ली थी, और उन्हें मारेगी इस देश की महिलाएं और जनता ही, बार बार बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता है।
मैम अयोध्या भी है जो इस बार आप लोगों ने जीत लिया, क्या कहेंगी इस पर, क्या कहना चाहेंगी? जो वहां से उन्होंने पूरा अपना सब कुछ उनका स्टार्ट होता है, पूरी पार्टी का जो उनका विचार वहीं स्टार्ट होता है, इस बार अयोध्या में आप लोगों ने सेंध लगा दी, इस बारे में हम लोग क्या कहेंगे? हम तो अयोध्या की जनता का तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे। पूछिए तो सवाल तो भाजपा वालों से बनता है ना कि वो क्या कह रहे हैं, जाकर उनसे पूछिए कि वो क्या कह रहे हैं। वो अयोध्या भी हार गए हैं, राम की जन्म स्थल राम की नगरी को भी वो हार गए जो राम के नाम पर वोट मांगते थे। यानी अयोध्या की जनता को ये झूठ नहीं पसंद आया भाजपा के लोगों का, कम से कम राम के नाम को पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। राम जी ने ये बता दिया कि राम जी दूसरों को लाते हैं और राम का नाम ले लेकर वो आए हैं, राम जी को कोई नहीं ला सकता है, राम जी सृष्टि के रचयिता हैं। मैम आखिरी सवाल, सरकार बनाने के लिए क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या ये बात तय है कि आप लोग सरकार बनाने जा रही हैं? देखिए आगे पता चलेगा, थोड़ा संयम तो रखिए। आप लोगों का यही उत्सुकता इतनी होती है, सारे सवाल एक साथ पूछ लेते हैं, संयम रखिए, सब पता चल जाएगा। चलिए आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से हमने अभी सुना बातचीत की मैडम ज़ेबा खान से, इन्होंने हर मुद्दे पर अपनी राय रखी कि किस तरह से जनता ने इनका साथ दिया है, जिस तरह से सरकार जो घमंड में थी वो घमंड को जनता ने अपना वोट दे के तोड़ दिया है। क्या है आपकी राय इस पूरे बातचीत पर, आप अपनी राय जरूर रखें। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष रात, नेशनल दस्तक, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।